जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपका सोलर कुकर दिखने में भी स्मार्ट और वर्क में भी स्मार्ट हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सोलर कुकर से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, हम इनका यूज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी जो ये हिंज होते हैं, ये इसके टूट जाते हैं। तो देखिए, इसमें इस प्रकार के हिंज आते हैं जो कि बरसात में और गर्मी में यूज़ होने की वजह से इस तरह से टूट जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस करके नया हिंज लगाया गया है। तो बड़ा हिंज लगाने की वजह से ये सोलर कुकर अच्छे से वर्क करता है। तो देखते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें बड़ा वाला हिंज लगाया है जिससे कि ये आसानी से वर्क करता है। ये देखिए, ये वहाँ से लगा हुआ नहीं आता, ये हमने अलग से लगवाया है इसको। देखिए फ्रेंड्स, लगातार उपयोग होने के बाद इसमें कुछ इस तरह से निशान बन जाते हैं जिससे कि हमको जो कुकिंग होती है प्रोसेस थोड़ी सी कम हो जाती है। और ऐसे ही देखिए, जो इसमें यूज़ करने वाले जो कंटेनर होते हैं उसमें भी देखिए इस तरह के निशान बन जाते हैं। लगातार यूज़ करने से ऐसा हो जाता है। तो इसमें हम पेंट करते हैं, तो अगर आपके पास पेंट हो तो आप इसमें फिर से पेंट कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा पेंट यूज़ करेंगे इसके इसमें? लिए हम करते हैं ब्लैक बोर्ड पेंट, ब्लैक बोर्ड ब्लैक पेंट। दिखाइए, ये देखिए इस तरह का ब्लैक बोर्ड पेंट आता है। आप इसको इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ये फिर से नया जैसा हो जाएगा। तो आइए इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है फिर ये पेंट होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। पेंट करने के बाद ये इस तरह से हो जाएंगे। ग्लॉसी पेंट हमने नहीं किया है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पेंट किया है ताकि ये थोड़ा डल होता है। ये हीट को पूरे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इसको ये वाला पेंट हम इसमें यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह रेडी हो चुका है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। और अब इसमें हम जब कुकिंग करेंगे तो बहुत जल्दी ही कुकिंग हो जाएगी। इसमें डब्बे थे वो भी पूरे हद तक सूख के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, इसके बॉटम में नहीं किया है पेंट क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको एक दो दिन तक और दिखाएंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो पूरी तरह से चली जाए। तो आइए इसको फिट कर लेते हैं। अब देखिए पूरी तरह फिट हो चुका है और अब इसमें बहुत आसानी से ये बूम हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो वीडियो उनके लिए बनाई है जो सोलर कुकर के बारे में जानना चाहते थे, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।